पिता है। राहुल के पापा का पात्र निभाएगा अनुव्रता, राहुल की माँ का पात्र निभाएगी प्रिया। और इस नाटक की सूत्रधार मैं व्यास। नाटक शुरू होता है, सुबह का समय है, आकाश से तेज रोशनी जमीन तक गिरती है। वही राहुल की स्कूल बस आती है। राहुल मन में बहुत ही खुश होता है। उसके गले में एक मेडल होती है और उसके हाथ में एक सातवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का परिणाम पत्रक होता है। वो बहुत ही खुश है। वह अपने बस से उतरता है और तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ता है। वह यह सोचता है कि वह ये खबर अपने पापा को सुनाएगा। वह अपने पापा के पास खुशी खुशी जाता है। पापा पापा, यह मेरी वार्षिक परीक्षा का परिणाम पत्रक है। मैं कक्षा में अव्वल नंबर से पास हुआ हूँ और मुझे विज्ञान में और गणित में 100 में से 100 अंक आए हैं। राहुल, क्या तुम्हें दिखता नहीं है मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जाओ अपने कमरे में जाओ। कोई बात नहीं, अगर पापा मेरी बात ना सुने तो मम्मी तो मेरी यह बात जरूरी सुनेगी। उसकी माँ अपनी सहेलियों से ऑनलाइन बातें कर रही होती है। मम्मी मम्मी, राहुल तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं अपने दोस्तों से बातें कर रही हूँ, जाओ यहाँ से। आज मेरा वार्षिक परीक्षा का परिणाम पत्रक आया है और मुझे विज्ञान में और गणित में पूरे अंक आए हैं। अरे वाह, सुना तुम लोगों ने, मेरे बेटे को विज्ञान और गणित दोनों ही भाषाओं में पूरे अंक आए हैं। वो पूरी कक्षा में अव्वल आया है, अव्वल। अच्छा, तुमने ये तो बता दिया कि तुम्हारे बेटे को गणित और विज्ञान में कितने अंक आए हैं, मगर उससे ये तो पूछो कि उसे भाषा परीक्षा में कितने अंक आए हैं। हाँ राहुल, वैसे तो मुझे मालूम ही है कि तुम्हें हर विषय में बहुत अच्छे अंक आए होंगे, पर जरा मुझे और मेरे दोस्तों को अपने भाषा के अंक तो बताना। मम्मी, अरे ये क्या, तुम्हें भाषाओं के विषयों में इतने गंदे अंक कैसे आए? पूरा दिन तुम खेलते रहते हो, कभी तुम पढ़ाई नहीं करते, इसलिए तुम्हें ऐसे अंक आते हैं। आज तुम्हारे कारण ही मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कट गई। अब जाओ अपने कमरे में और जाके पढ़ाई करो। बड़ा होता है, उसे दफ्तर में नौकरी मिलती है। वह एक सुबह अपना काम लेकर सोफे पर बैठता है। राहुल बेटा, क्या तुम मेरे लिए ये फोन ठीक कर सकते हो? राहुल बेटा, क्या तुम मेरे लिए ये फोन ठीक कर सकते हो? क्या है पापा, आपको दिखता नहीं है मैं अभी अपने दफ्तर का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ? आप थोड़ा सब्र रखिए, मैं आपका कार्य बाद में कर दूंगा, कृपया करके मुझे आके यहाँ छोड़ दीजिए। हमने राहुल के लिए इतना कुछ किया मगर आज वह हम पर ही ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ सही कहा, मैं अभी राहुल को बुलाती हूँ। राहुल इधर आना जरा। क्या है? हाँ मैं आया। क्या है मम्मी पापा आप दोनों को वापिस? राहुल, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आजकल तुम्हारा व्यवहार बहुत बदल सा गया है। अच्छा मम्मी पापा, आप दोनों को अभी याद आया, जब मैं छोटा था तब मैं आप दोनों के पास वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक लाया था, तब आप दोनों ने मुझे निकाल दिया। हाँ ये बात सही कह रहा है, जब ये अपना वार्षिक परीक्षा पत्र हमारे पास ले आया था तब हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे डांट डपट कर उसके कमरे में भिजवा दिया। हमें माफ कर दो बेटा।
हम अच्छे माता पिता नहीं बन पाए। आज के माता पिता अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ पाते। हम बच्चों को अपने माता पिता का प्यार और साथ चाहिए। हम यह चाहते हैं कि वे हमें समझे। धन्यवाद।